हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर टू के अंदर, उन सभी के पास बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे रेगुलर के हों, सोल के हों, एनसीवाइब के हों, कोई भी स्टूडेंट हो, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा कंपनी लॉ का। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस कंपनी लॉ सब्जेक्ट को, जिसके अंदर मैं आपको इसकी जो पांचों यूनिट आपके सिलेबस में दी गई है वो पांचों यूनिट काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। एक एक कंसेप्ट आपको जो जो आपके सिलेबस में दिया गया है आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, सारी चीजें कवर करवाऊंगा, साथ में आपको समझाऊंगा भी और उनके क्वेश्चंस भी हम ट्राई करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ आपका। जो ये नोट्स होंगे ये मेरी खुद की बनाई हुई बुक हैगी, एक टेक्स्ट बुक हैगी आप लोगों के लिए सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट के लिए, चाहे प्रोग्राम का स्टूडेंट हो या ऑनर्स का स्टूडेंट हो, रेगुलर का हो, सोल का हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी इसे परचेज कर सकता है। इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 199 रुपीज की है। पीडीएफ फॉर्म में आपको ये मिल जाएगी। इसमें आपको नोट्स दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाए गए हैं, इसी से मैं आपको ये सारी चीजें कवर करवाने वाला हूँ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। बुक परचेज करने के लिए आप मेरे को, मैंने आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी और जो टेलीग्राम का लिंक है वो सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखी है। आप चाहे व्हाट्सएप पर चाहे टेलीग्राम पर मेरे को डीएम करें, वहां से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी यूनिट नंबर 2 है, जिसे मैंने यहाँ नाम दे रखा है चैप्टर नंबर 2 का फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इस कंप्लीट यूनिट को हम देखने वाले हैं, पार्ट्स में वीडियो आएगी, आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 1। सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें आपके जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसमें क्या क्या दिया है करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में, प्रमोटर्स के बारे में, देयर लीगल पोजीशन, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स अल्ट्रेशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स अल्ट्रेशन, डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रावाइड्स, डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये चीजें आपको पढ़नी है। इतना ही कंटेंट आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दिया गया है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या होता है, तो द होल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में रफली डिवाइडेड फॉर कन्वीनियंस इनटू 3 पार्ट, प्रोमोशन, रजिस्ट्रेशन एंड फ्लोटेशन। जो कंपनी के फॉर्मेशन का एक प्रोसेस होता है उसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले कंपनी का प्रमोशन होता है, फिर रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद उसका फ्लोटेशन होता है। तो सबसे पहले समझ रहे हैं प्रमोशन क्या होता है। प्रमोशन इज अ टर्म ऑफ वाइड इंपोर्ट डिनोटिंग द प्रिलिमिनरी स्टेप टेकन फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड फ्लोटेशन ऑफ द कंपनी। प्रमोशन एक वाइड टर्म है जिसका मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन और फ्लोटेशन से पहले जो भी स्टेप लिए जाए वो आपके प्रमोशन का पार्ट बनते हैं। द पर्सन हु अज्यूम्स द टास्क ऑफ प्रमोशन आर कॉल्ड प्रमोटर। प्रमोटर हम इसे किसे कहते हैं, कोई भी पर्सन जो प्रमोशन का काम करता है उसे प्रमोटर कहा जाता है। द प्रमोटर में भी इंडिविजुअल, सिंडिकेट, एसोसिएशन, पार्टनरशिप और कंपनी। जो प्रमोटर होता है वो कोई भी हो सकता है, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन, कोई सिंडिकेट, कोई एसोसिएशन या कोई पार्टनरशिप या कंपनी भी प्रमोटर बन सकती है। हु इज अ प्रोमोटर, तो द ट्रू टेस्ट ऑफ वेदर अ पर्सन इज प्रोमोटर इज वेदर ही हैज डिजायर दैट द कंपनी बी फॉर्म्ड एंड इज प्रिपेयर टू टेक सम स्टेप। हम एक्चुअल लैंग्वेज में प्रोमोटर एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो ये चाहता है कि कंपनी फॉर्म हो और जो उसको फॉर्म करने के लिए स्टेप्स लेता है, विच मे और मे नॉट इन्वॉल्व अदर पर्सन टू इम्प्लीमेंट इट, जिसके अंदर या तो वो होता है या उसके अलावा कोई और पर्सन हो या ना हो मतलब नहीं है, सिर्फ अगर एक पर्सन भी है तो वो प्रोमोटर कहलाएगा। However, person assisting the promoter by acting in professional capacity do not thereby become promoter themselves. लेकिन कोई भी ऐसा person जो कि professional service provide कर रहा है promoter को company form करने के लिए, तो उसे हम promoter नहीं कह सकते क्योंकि वो अपनी service provide कर रहा है, ना कि promotion में help कर रहा है। If, however, he goes further than this, is it by introducing his client to a person who may be interested in purchasing share in the proposed company, he would be regarded as promoter. लेकिन अगर वही पर्सन क्या करे, अपना क्लाइंट बने एक तरीके से और क्या करे, उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए रेडी हो जाता है, तो फिर उस पर्सन को हम उसका प्रमोटर मान सकते हैं। अब है ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी ऑफ प्रमोटर। जो एक प्रमोटर होता है उसकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या क्या लाइबिलिटी होती है। तो सबसे पहले ड्यूटीज में रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस रिक्वायर द प्रोमोटर टू मेक अ फुल डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जो प्रमोटर होगा उसे क्या करना पड़ेगा, कंपनी की फॉर्मेशन में जो जो भी फैक्ट्स रहेंगे, जो मटेरियल फैक्ट्स रहेंगे, उनका कंप्लीट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ही शुड नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट एट एक्सपेंस ऑफ कंपनी ही प्रमोट्स विदाउट द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ कंपनी एंड इफ ही डज सो द कंपनी में कंपेल हिम टू अकाउंट फॉर इट।
जो प्रमोटर होगा वो क्या नहीं करेगा, कंपनी के खर्चा करवा के अपना प्रॉफिट नहीं बनाएगा। अगर वो ऐसा करता है तो कंपनी उससे उसके लिए कंपेल कर सकती है और उससे वो चीजें वापस ले सकती है प्रॉफिट का पार्ट। फिर प्रमोटर इज नॉट फॉरबिडन टू मेक प्रॉफिट बट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। प्रमोटर कंपनी के लिए अगर प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो वो कर सकता है, लेकिन अगर अपने लिए सीक्रेट प्रॉफिट बना रहा है कंपनी के खर्चे से, तो ऐसा करना उसे फॉरबिड करता है, मतलब रिस्ट्रिक्ट करता है। लाइबिलिटीज क्या क्या होती है प्रोमोटर की। नंबर वन, प्रोमोटर इज लाइबल टू ओरिजिनल एलोटी ऑफ शेयर फॉर द मिस स्टेटमेंट कंटेन्ड इन प्रोस्पेक्टस। अगर कोई पर्सन कंपनी के शेयर खरीदता है किसी ऐसी चीज पर विश्वास कर जो कि प्रोस्पेक्टस में दी गई थी लेकिन गलत थी, तो उसके लिए प्रोमोटर लाइबल होता है कि उसने प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट डाली हुई थी जिसकी वजह से किसी ने शेयर खरीदे और अब उसे उसका नुकसान हो गया। इट इज क्लियर दैट लाइबिलिटी डज नॉट एक्सटेंड टू सब्सिक्वेंट अलॉटी। लेकिन जो अगला अलॉटी है सिर्फ एक ही बार जिसने शेयर खरीदे हैं उसके लिए लाइबल होगा, अगर उसने वो शेयर किसी और को बेच दिए तो फिर उसके लिए वो प्रमोटर लाइबल नहीं होता है। नेक्स्ट है कि लाइबिलिटी इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर द कोर्ट में मेक अ प्रमोटर लाइबल फॉर मिस फाइनेंस और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। वाइंडिंग अप के केस में क्या होता है, अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर ने एप्लीकेशन दे दी है तो प्रमोटर को लाइबल करा जा सकता है कि ट्रस्ट को ब्रीच करने के लिए। तो ये दो लाइबिलिटी होती है प्रमोटर की। ये हो गया आपका प्रमोशन का स्टेप। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन। तो सेक्शन 12 स्टेट दैट एनी 7 और मोर पर्सन और वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म विल अ प्राइवेट कंपनी 2 और मोर पर्सन एसोसिएटेड फॉर एनी लॉफुल पर्पस मे बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड अदरवाइज कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी विद और विदाउट लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या बोला है, सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई पब्लिक कंपनी बनाना चाहता है तो 7 या 7 से ज्यादा लोग मिलकर, और अगर कोई प्राइवेट कंपनी बनाना चाह रहा है तो 2 या 2 से लोग ज्यादा लोग मिलकर किसी लॉफुल पर्पस के लिए या मतलब लॉफुल बिजनेस के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, अपना नाम मेमोरेंडम में मेंशन करवा के एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सेक्शन 33 स्टेट दैट फॉलोइंग 3 डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। सेक्शन 33 के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जब कंपनी को फॉर्म करता है, रजिस्टर करवाता है, तो उसे 3 डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करने पड़ते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए। क्या क्या 3 डॉक्यूमेंट है, पहला डॉक्यूमेंट आता है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, सेकेंड आता है द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, थर्ड आता है द एग्रीमेंट इफ एनी ऑफ विच कंपनी प्रपोजेज टू एंटर इनटू एनी इंडिविजुअल फॉर अपॉइंटमेंट एज इट्स मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। एक वो एग्रीमेंट जिसके अंदर क्या कराएगी, कंपनी किसी को अपना होल टाइम या मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करती है, तो वो एग्रीमेंट भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट होना पड़ता है, करना पड़ता है। सेक्शन 33 आल्सो रिक्वायर अ डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार अलोंग विद मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, दिस इज नोन एज स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंसेस। सेक्शन 33 के अंदर एक और प्रोविजन दी गई है कि आर्टिकल और मेमोरेंडम के साथ साथ एक डिक्लेरेशन और सबमिट करना पड़ता है जिसे क्या कहा जाता है, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंसेस। इट कैन बी मेड बाय एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ और ऑफ अ हाई कोर्ट, एन अटॉर्नी और प्लीडर इंटाइटल्ड टू अपियर बिफोर हाई कोर्ट, और अ कंपनी सेक्रेटरी और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन होल टाइम इन प्रैक्टिस इन इंडिया हु इज एंगेज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और बाय पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल एज डायरेक्टर मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। क्या बोला है, ये जो डिक्लेरेशन है ये कौन बना सकता है, कोई भी एडवोकेट, या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का एडवोकेट हो या फिर कंपनी सेक्रेटरी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो ये डिक्लेरेशन बना सकते हैं। डिक्लेरेशन मस्ट सर्टिफाई दैट ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लाइड विद। और उस डिक्लेरेशन के अंदर क्या लिखा होना चाहिए कि कंपनीज एक्ट के इस सेक्शन के अंदर जो जो भी रूल्स और एलिजिबिलिटी जरूरी हैं, जो कंप्लाई करनी पड़ती हैं, जिन जिन रूल्स और रेगुलेशंस का कंप्लायंस करना पड़ता है, वो सारे कंप्लायंस किए गए हैं ये कंपनी फॉर्म करते समय। ये डिक्लेरेशन उन्हें एक देना होता है और ये डिक्लेरेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल करना पड़ता है। ये होता है आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेप। फिर थर्ड स्टेप आता है आपका फ्लोटेशन। तो व्हेन अ कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड एंड हैज रिसीव्ड इट्स सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इट इज रेडी फॉर फ्लोटेशन, दैट इज टू से इट कैन गो अहेड विद रेजिंग कैपिटल सफिशिएंट टू कमेंस बिजनेस एंड टू कैरी ऑन इट सेटिस्फैक्टरीली। अब क्या होता है, जब एक कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, उसे एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, तो फिर वो कंपनी फ्लोटेशन के लिए रेडी होती है। फ्लोटेशन का मतलब होता है अब वो चाहे तो कैपिटल रेज कर सकती है और अपने बिजनेस को रन करना शुरू कर सकती है।
सेक्शन 70 मेक इट ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी पब्लिक कंपनी टू टेक आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेप्स। सेक्शन 70 है जो वो हर पब्लिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जो कि उसे क्या कहता है कि फ्लोटेशन के अंदर उसे दो स्टेप लेने ही लेने होंगे। क्या? पहला, इशू अ प्रोस्पेक्टस इन केस ऑफ अ पब्लिक टू इनवाइट सब्सक्राइब इट्स कैपिटल। सबसे पहले उसे एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा जिसमें वो पब्लिक से शेयर के लिए पैसा कैपिटल रेज करेगी। फिर अगर सबमिट अ स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस इन केस कैपिटल हैज बीन अरेंज्ड प्राइवेटली इट इज डन एटलीस्ट 3 डेज बिफोर अलॉटमेंट। और अगर उन्होंने कैपिटल प्राइवेटली रेज कराया, मतलब जनरल पब्लिक से पैसा नहीं लिया, खुद का पैसा या प्राइवेटली पैसा लिया है किसी से, तो उसकी एक स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस करके एक डॉक्यूमेंट होता है, वो फाइल करना होता है अलॉटमेंट से 3 दिन पहले। ठीक है, ये दो स्टेप जरूर कंपलसरी करने होते हैं पब्लिक कंपनीज को। तो ये आपका पूरा प्रोसेस होता है किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन का। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, अवेलेबिलिटी ऑफ कंपनी नेम। तो सेक्शन 20 स्टेट दैट कंपनी कैन नॉट बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम व्हिच इज इन ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज अनडिजायरेबल, देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल दैट प्रमोटर फाइंड आउट द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रपोज्ड नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फॉर पर्पस 3 नेम इन ऑर्डर प्रायोरिटी शुड बी फाइल्ड। क्या बोला गया है? सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी ऐसा नाम नहीं रख सकती है अपनी कंपनी का जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र में अनडिजायरेबल हो, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट को नाम अच्छा ना लगे, या फिर जो अनलॉफुल नेम हो। तो कोई भी कंपनी ऐसा नाम नहीं रख सकती है, इसी के लिए प्रमोटर को क्या बोला जाता है कि वो अपना नाम जो रखना चाहते हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास पहले नाम को चेक करवा लें और उन्हें 3 नेम्स देने होते हैं कंपनी के इन उसमें किस चीज़ में प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कि वो सबसे पहले क्या नाम रखना चाहते हैं। अगर वो नाम अवेलेबल ना हो तो किस नाम से कंपनी फॉर्म हो, और वो भी अवेलेबल ना हो तो 3rd नाम। ऐसे 3 नेम देने होते हैं प्रायोरिटी के लिस्ट में, जिससे क्या हो, कोई भी ऐसी मिसयूजनेस ना हो कि कंपनी का नाम अनडिजायरेबल हो जाए या नाम अवेलेबल ही ना हो, इसलिए उन्हें 3 नाम सबमिट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या होता है? तो व्हेन द अफोरसेड डॉक्यूमेंट हैव बीन फाइल्ड विद रजिस्ट्रार एंड द नेसेसरी फीस पेड। जब जो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं वो रजिस्ट्रार के पास फाइल हो जाते हैं और जो जो नेसेसरी फीस सबमिट करनी होती है वो सारी फीस पेड कर दी जाती है। द रजिस्ट्रार विल इफ ही सेटिस्फाइड एंटर द नेम ऑफ कंपनी ऑन द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंड मेंटेन हिम बाय हिम एंड देन विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अंडर हिज सिग्नेचर इन टोकन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी ऑन डेट नोटेड ऑन इट। तो रजिस्ट्रार क्या करता है, अगर वो सारे उन डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई होता है, सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं, तो वो क्या करता है, उस कंपनी का नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में इंक्लूड कर लेता है और उन्हें एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करके दे देता है, जिसके अंदर क्या होता है, डेट लिखी होती है जिस डेट से उनकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई होती है। दिस सर्टिफिकेट सर्व द सेम पर्पज इन केस ऑफ कंपनी विच इज बर्थ सर्टिफिकेट डज इट केस ऑफ अ नेचुरल पर्सन। तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है वो क्या होता है, एक तरीके का बर्थ सर्टिफिकेट होता है किसी नेचुरल पर्सन का, उसी की तरह ये कंपनी का भी एक बर्थ सर्टिफिकेट कहलाता है। ठीक है, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव एविडेंस दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रजिस्ट्रेशन एंड ऑफ मैटर प्रेसिडेंट एंड इंसिडेंटल देयर टू हैव बीन कंप्लाइड विद। जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है वो एक एविडेंस बनता है, कंक्लूसिव एविडेंस बनता है कि जो जो रिक्वायरमेंट थी कंपनीज एक्ट की वो सारी कंप्लाई करी गई है, इस कंपनी को बनाते समय उन सारी चीजों का अच्छे से ध्यान रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्री इनकॉर्पोरेशन और प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट किन्हें कहते हैं। तो वी हैव मेंशनड अर्लियर दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। द प्रमोटर में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ प्रपोज्ड कंपनी बिफोर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बट बिफोर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस। क्या बोला गया है, जैसा कि आप सभी को पहले बताया गया है, जो कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो उसके बिहाफ पर प्रमोटर या डायरेक्टर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने से पहले या फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद बट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंस बिजनेस मिलने से पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रमोटर या डायरेक्टर एंटर करते हैं कंपनी के बिहाफ पर, वो सारे क्या कहलाते हैं, वो प्री इनकॉर्पोरेशन या प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। नाम से ही क्लियर है, कंपनी बनने से पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो वो सारे कहलाते हैं आपके प्रीलिमिनरी और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। दस इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी फॉलोइंग आर 3 सिचुएशन व्हेन कॉन्ट्रैक्ट मे बी एंटर्ड इनटू। तो पब्लिक कंपनी के केस में 3 कंडीशन होती हैं जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बिफोर इनकॉर्पोरेशन, अभी तक कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं करा है रजिस्ट्रार ने, लेकिन उससे पहले कंपनी के बिहाफ पर जो डायरेक्टर या प्रमोटर हैं वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं, तो वो कहलाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट बिफोर इनकॉर्पोरेशन।
फिर कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बट बिफोर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस। सेकंड सिचुएशन होती है जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो मिल गया लेकिन सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस नहीं मिला है, और इस बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं डायरेक्टर या प्रोमोटर कंपनी के बिहाफ पर, तो वो भी ये आपका प्री इनकॉर्पोरेशन या प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाता है। थर्ड है कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस। और थर्ड तरीके के जो होते हैं कमेंस बिजनेस के बाद मिलने का सर्टिफिकेट मिलने के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो दोस कॉन्ट्रैक्ट विच आर एंटर इनटू बाय प्रोमोटर फॉर द इंटेंडेड कंपनी बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी नोन एज प्री इनकॉर्पोरेशन और प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस मिलने से पहले एंटर होते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके प्रीलिमिनरी या प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। अब प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट नेवर बाइंड अ कंपनी सिंस अ पर्सन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिफोर हिज नोट्स एग्जिस्टेंस एंड अ कंपनी बिफोर इनकॉर्पोरेशन हैज नो लीगल एग्जिस्टेंस। लेकिन जो ये प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसके लिए कंपनी बाइंड नहीं होती है, इसके लिए जो प्रोमोटर या डायरेक्टर होते हैं वो बाइंड होते हैं क्योंकि अभी तक कंपनी तो फॉर्म हुई नहीं होती है, उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला होता, तो इसके लिए जो लायबल होते हैं वो प्रोमोटर या डायरेक्टर लायबल होते हैं अगर कुछ भी इनमें गड़बड़ी होती है। नेक्स्ट है द कॉन्ट्रैक्ट टेक इफेक्ट एज अ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन हु परपर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंपनीज बिहाफ। प्रोमोटर शैल बी लायबल टू पे डैमेजेस फॉर फेलियर टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड इन कंपनीज नेम। तो क्या बोला है, वही बोला है क्योंकि अभी तक कंपनी फॉर्म नहीं होती है तो जो पर्सन इन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा होता है वो पर्सनली लायबल होता है, इसके लिए जो प्रोमोटर होते हैं वो सारे डैमेजेस पे करेंगे अगर कुछ भी वो प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जो जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर हुए हैं कंपनी के बिहाफ पर। This shall be so even where the contract expressly provide that the company paid up share capital shall be answerable for performance। और ऐसा कब होता है, जब कोई ऐसी प्रोविजन ना डाली गई हो कि जो कंपनी की शेयर कैपिटल है वो लायबल होगी। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय क्या कर दिया हो, जो प्रोमोटर हैं या डायरेक्टर हैं उन्होंने क्या प्रोविजन डाल दी कि अगर इसका ये परफॉर्मेंस नहीं होती है जो ये हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट में, तो इसके लिए कंपनी की शेयर कैपिटल लायबल होगी, तो फिर वो शेयर कैपिटल लायबल होती है, वरना फिर वो प्रोमोटर या डायरेक्टर इंडिविजुअली लायबल होते हैं उनके लिए। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि आएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज इट्स चार्टर विच कंटेन द फंडामेंटल कंडीशन अपॉन विच अलोन द कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी होता है उसे हम कंपनी का चार्टर भी कहते हैं, जिसके अंदर सारी फंडामेंटल कंडीशन दी गई होती हैं जो कि कंपनी के फॉर्म कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगी इससे रिलेटेड। इट टेल्स अस द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनीज फॉर्मेशन एंड अटमोस्ट पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन बियॉन्ड विच इट्स एक्शन कैन नॉट गो। इसके अंदर क्या मेंशन होता है ये हमें बताता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब किस पर्पस के लिए कंपनी बनाई गई है। अटमोस्ट पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन, इसके ऑपरेशन का क्या क्या स्कोप है, मतलब क्या क्या चीजें, क्या क्या काम ये कर सकती है, क्या क्या कितने हद तक एक बियॉन्ड पावर इसकी डिफाइन होती है कि इतनी पावर तक के डिसीजन कंपनी, मतलब इतने पावर तक के कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी एंटर कर सकती है जिसके बियॉन्ड जाकर कंपनी कोई काम नहीं कर सकती, वो सारी चीजें आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होती हैं। Thus it defines as well as confines the power of company। तो ये हमें कंपनी की पावर के बारे में बताता है। If anything is done beyond this power that will be ultra vires। अगर इससे बाहर जाकर कंपनी कोई भी काम करती है तो वो ultra vires होता है, मतलब कंपनी की पावर के बाहर होता है और वो void कहलाता है। The memorandum serves two fold purpose। Vice it enables shareholder, creditor and all those who deal with company to know what is its power and or what is its range of activity। जो मेमोरेंडम होता है वो दो फोल्ड दो काम करता है, एक तो ये शेयर होल्डर और क्रेडिटर जो भी कंपनी के साथ डील करते हैं उन्हें बताता है कि कंपनी की पावर क्या है और किन किन एक्टिविटी में कंपनी काम करती है। दस द इंटेंडिंग शेयर होल्डर कैन फाइंड आउट द फील्ड इन और पर्पस ऑफ विच द मनी इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय द कंपनी एंड व्हाट रिस्क ही इज टेकिंग मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। तो इससे क्या होता है, जो भी शेयर होल्डर होते हैं उन्हें पता रहता है कि जो उनका पैसा है, मतलब जो वो पैसा लगा रहे हैं कंपनी के अंदर, उसका क्या यूज होने वाला है और उस पैसे पर उनको कितना रिस्क लेना है, मतलब कितना रिस्क उनको मिलने वाला है उस पैसे के ऊपर। तो ये सारी चीजें कहाँ से पता लगती हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से ही पता लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल्सो एनी वन डीलिंग विद द कंपनी से सप्लायर और गुड्स और मनी विल नो वेदर द ट्रांजेक्शन ही इंटेंडेड टू मेक विद द कंपनी इज विद इन द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी एंड नॉट अल्ट्रा वायर्स इट्स ऑब्जेक्ट। इसके अलावा और क्या काम होता है मेमोरेंडम से, जो सप्लायर होते हैं गुड्स या सर्विसेज के उन्हें भी पता होता है कि वो जिसे
कंपनी के साथ डील कर रहे हैं या गुड्स अपने दे रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, क्या उस कंपनी की इतनी पावर है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके। तो इससे उनको भी एक आइडिया मिल जाता है कि कहीं ये अल्ट्रा वायर तो नहीं है कंपनी का जो ये काम कर रही है, या तो ये सारी चीजें किससे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से ही पता लगती हैं। ठीक है, अब आएगा आपका फॉर्म्स एंड कंटेंट की, जो मेमोरेंडम एंड ऑफ एसोसिएशन होता है उसकी क्या फॉर्म होती है, क्या क्या उसका कंटेंट होता है। तो सबसे पहले पब्लिकेशन ऑफ नेम, तो एवरी कंपनी शेल पेंट और अफिक्स इट्स नेम एंड एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड कीप द सेम प्रिंटेड और अफिक्स्ड ऑन द आउटसाइड एवरी ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ कॉन्स्पिशियस पोजिशन इन लेटर इजिली लेजिबल एंड इन द लैंग्वेज इन जनरल यूज इन द लोकेलिटी। जो भी कंपनी होगी वो अपने नाम को कहाँ कहाँ अफिक्स करवाएगी, मतलब कहाँ कहाँ लिखा होगा नाम, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उस पर लिखा होगा उस कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, उसके अलावा कंपनी के जितने भी ऑफिस हैं जहाँ से कंपनी काम करती है उन सभी पर कंपनी का नाम और उस कंपनी का ऑफिस लिखा होगा। कैसे लिखा होगा, लेग्लिजिबल लैंग्वेज में लिखा होगा, मतलब ऐसी लैंग्वेज में लिखा होगा पढ़ा जाए आराम से, और सही लैंग्वेज में लिखा होगा जो उस लोकेलिटी में लैंग्वेज यूज होती है उस लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। उसके अलावा हैव इट्स नेम इनग्रेव इन नेग्लिजिबल कैरेक्टर ऑन सील, जो कंपनी की सील होगी उसके ऊपर उसका नाम इनग्रेव होना चाहिए कंपनी का। थर्ड अगेन हैव इट्स नेम एंड एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस मेंशनड इन नेग्लिजिबल कैरेक्टर इन ऑल बिजनेस लेटर बिल्स हेड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनवॉइसेस रिसिप्ट एटसेट्रा ऑफ द कंपनी। उसके अलावा कंपनी के जितने भी बिजनेस लेटर होंगे, बिल्स के हेड होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनवॉइसेस होते हैं, रिसिट होती हैं, उन सभी के ऊपर नेग्लिजिबल लैंग्वेज में कंपनी का नाम मेंशन होना जरूरी है। ठीक है, फिर आता रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है मेमोरेंडम के अंदर। द क्लॉज स्टेट दैट नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी सिचुएटेड। ये क्लॉज क्या बताता है, उस स्टेट का नेम बताता है जिस स्टेट के अंदर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होता है। Every company must have registered office which establishes its domicile and it also the address at which company statutory book must normally be kept and to which notices and other communication can be sent. हर कंपनी को अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस establish करना होता है किस जगह पर, जहाँ पर वो कंपनी फॉर्म हुई होती है उस प्लेस पर, जिस जहाँ पर सारे उसकी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो रखे जाएंगे, और उसके अलावा अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को या किसी को भी कोई नोटिस देना है तो वो उसी एड्रेस पर दिया जाएगा, वो कहलाता है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। ठीक है, थर्ड चीज होती है मेमोरेंडम के अंदर द ऑब्जेक्ट क्लॉज। द ऑब्जेक्ट क्लॉज डिफाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी एंड इंडिकेट द स्फीयर ऑफ इट्स एक्टिविटी। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या बताता है, ये कंपनी के ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है कि किन किन एक्टिविटीज में कंपनी डील करने वाली है, क्या क्या काम कंपनी करेगी। A company cannot do anything beyond or outside its object and any act done beyond them will be ultra-vires. Company के object clause में जो activity mention है उसके अलावा कोई भी अगर काम company करती है तो वो ultra-vire कहलाएगा काम, मतलब उसकी power के बाहर जाकर करा है और वो काम void हो जाएगा। And cannot be ratified even by assent of whole body of shareholder, और उस काम को फिर हम ठीक नहीं कर सकते, मतलब उसे legal work नहीं बना सकते हैं चाहे हम सारे ही shareholder की assent क्यों ना रहे। The object of company must not be illegal, immoral or opposed to public policy or in contravention of act. जो company का object होना चाहिए, मतलब company को form करने का purpose होना चाहिए, वो कैसा नहीं होना चाहिए, ना तो illegal होना चाहिए, ना immoral होना चाहिए, ना ही public policy के against होना चाहिए। ये होता है आपका object clause. और फोर्थ है मेमोरेंडम के अंदर होता है आपका लाइबिलिटी क्लॉज। द क्लॉज स्टेट द नेचर ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। ये क्या बताता है कि मेंबर की कितनी लाइबिलिटी है उसके बारे में बताता है। In case of a company with limited liability, it must state that liability of member is limited, whether it be limited by share or by guarantee. This means that in case of a company limited by share, a member can be called upon at any time to pay the company the amount unpaid on the share held by them. अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है तो वो दो टाइप की हो सकती है, या तो लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी। तो अगर जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसके अंदर क्या होता है, मेंबर्स को जितना पैसा शेयर्स के ऊपर बाकी रह जाता है उतने अमाउंट तक लायबल होते हैं मेंबर, उससे ऊपर की अमाउंट के लिए लायबल नहीं होते। मान लीजिए अगर 10 रुपए का शेयर है उस पर मेंबर ने 2 रुपए दे रखे हैं तो सिर्फ 8 रुपए और देने के लिए मेंबर्स लायबल होंगे, उसके ऊपर कोई पैसा मेंबर्स को नहीं देना होगा। वहीं इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी द क्लॉज विल स्टेट द अमाउंट व्हिच एवरी मेंबर अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू एसेट ऑफ कंपनी इन इवेंट ऑफ इट्स वाइंडिंग अप। वहीं अगर कंपनी है कि जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसके अंदर क्या होता है, मेमोरेंडम के अंदर अमाउंट मेंशन होती है कि किस मेंबर की कितनी लायबिलिटी की गारंटी दे रखी है मेंबर ने, और अगर वाइंडिंग अप के टाइम पर जरूरत पड़ती है तो उस मेंबर से उतनी अमाउंट तक की मनी मंगवाई जा सकती है। तो ये होता है आपका लायबिलिटी क्लॉज। ठीक है,
नेक्स्ट होता है आपका द कैपिटल क्लॉज। तो दिस क्लॉज स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड एंड द मोड ऑफ इट्स डिविजन इनटू शेयर ऑफ फिक्स्ड वैल्यू। कैपिटल क्लॉज के अंदर क्या होता है कि जो शेयर कैपिटल है कंपनी की वो कितनी अमाउंट की होगी और जो इसमें शेयर डिवाइड हो रखे होंगे उनकी फिक्स्ड वैल्यू क्या होगी। दैट इज द नंबर ऑफ शेयर इनटू विच द कैपिटल इज डिवाइडेड द अमाउंट ऑफ ईच नंबर ऑफ शेयर। इसके अंदर क्या होता है कैपिटल को कितने शेयर में डिवाइड कर रखा होता है ये मेंशन होता है और हर शेयर की क्या वैल्यू है ये भी मेंशन होता है। If there are both equity and preference share, then the division of capital is shown under these two heads. और अगर कंपनी के पास दोनों इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों शेयर हैं तो जो डिवीजन शो कर रखा होगा वो दोनों शेयर का दोनों हेड के अंदर शो कर रखा होगा, इक्विटी का अलग और प्रेफरेंस का अलग। सिक्स्थ होता है मेमोरेंडम के अंदर द एसोसिएशन क्लॉज। तो एट द एंड ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एवरी कंपनी देयर इज एन एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज और अ डिक्लेरेशन ऑफ एसोसिएशन विच रीड समथिंग लाइक दिस। हर मेमोरेंडम जहां पर खत्म होता है टोटल छह क्लॉज होते हैं मेमोरेंडम के अंदर जो आपको दिए गए हैं। छठे क्लॉज हमेशा क्या होता है एसोसिएशन क्लॉज होता है या फिर जिसे सब्सक्रिप्शन या डिक्लेरेशन क्लॉज भी कहा जाता है, जिसके अंदर क्या डिक्लेरेशन दिया होता है वी द सेवरल पर्सन हुज नेम एंड एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन आर सब्सक्राइब्ड आर डिजायरस ऑफ बीइंग फॉर्मड इनटू अ कंपनी इन परसेंस ऑफ दिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड वी रिस्पेक्टिवली एग्री टू टेक द नंबर ऑफ शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी सेट अपोजिट अवर रिस्पेक्टिव नेम। एक ये डिक्लेरेशन होता है जिसमें मेंबर डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं कि हम जो ये लोग जिनका नाम मेंशन हैगा, एड्रेस मेंशन है और ऑक्यूपेशन मेंशन है मेमोरेंडम के अंदर, वो इस मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते हैं और एक कंपनी फॉर्म करने के लिए डिजायर रखते हैं। हमने कितने कितने शेयर्स ले रखे हैं वो हमारे नेम के अपोजिट में हमें दिए गए हैं, उसके लिए हम एग्री करते हैं, ये आपका एसोसिएशन क्लॉज होता है। इसके बाद ये तो हो गया आपका मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या क्लॉज होते हैं। अब आता है अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, मतलब अगर कभी मेमोरेंडम को चेंज करना पड़े, मेमोरेंडम के अंदर कुछ कुछ चेंजेस करने पड़े, अल्टरेशन का मतलब होता है चेंजेस करना, तो वो कैसे कैसे किए जा सकते हैं। तो सेक्शन 16 प्रोवाइड दैट कंपनी कैन नॉट अल्टर द कंडीशन कंटेन्ड इन मेमोरेंडम एक्सेप्ट इन केस इन द मोड एंड टू द एक्सटेंट एक्सप्रेस प्रोविजन हैव बीन मेड इन दिस एक्ट। तो सेक्शन 16 के अंदर कोई भी कंपनी सिर्फ उस उतनी ही एक्सटेंट तक मेमोरेंडम को एक तरीके से अल्टर कर सकती है जितना एक्ट के अंदर दिया गया है, उससे ज्यादा कोई भी मेमोरेंडम के अंदर चेंजेस नहीं कर सकती एक बार बनने के बाद, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको नेम चेंज करना है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, तो देखिए सेक्शन 21 प्रोवाइड दैट नेम ऑफ कंपनी मे बी चेंज्ड एट एनी टाइम बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी एंड विद द रिटन अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग कंपनी को अगर अपना नाम चेंज करना है तो कंपनी वो कभी भी कर सकती है, एक स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग के अंदर पास करना होगा, लेकिन उससे पहले उसका एक रिटन अप्रूवल लेना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। हाउएवर नो अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नेसेसरी इफ द चेंज ऑफ नेम इन्वॉल्व ओनली एडिशन और डिलीटेशन ऑफ द वर्ड प्राइवेट। अगर अल्टरेशन में सिर्फ इतना है कोई कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हुई है या पब्लिक से प्राइवेट हुई है तो उसे या तो प्राइवेट वर्ड ऐड करना है या रिमूव करना है, अगर सिर्फ इतना अल्टरेशन है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। द चेंज ऑफ नेम मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन 30 days ऑफ द चेंज। जो ये नेम में चेंज किया जा रहा है वो 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बताना होगा इसके बारे में। द रजिस्ट्रार शैल देन एंटर द न्यू नेम ऑफ ऑन द रजिस्टर इन द प्लेस ऑफ ओल्ड नेम एंड शैल इशू अ प्रेस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद नेसेसरी अल्टरेशन। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, इस नए नेम को पुराने नेम की जगह रिप्लेस कर देगा और एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अल्टरेशन के बाद इशू करके दे देगा। द चेंज ऑफ नेम बिकम द इफेक्टिव ऑन इशू ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और नया नाम कब से माना जाने लग जाएगा, जब से वो न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को मिल जाता है तब से ही वो न्यू नेम एप्लीकेबल हो जाता है। हाउएवर चेंज ऑफ नेम शैल नॉट इफेक्ट एनी राइट और ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी और रेंडर डिफेक्टिव एनी लीगल प्रोसीडिंग विच माइट हैव बीन कंटिन्यूड और कमेंस्ड बाय और अगेंस्ट द कंपनी बाय इट्स फॉर्मर नेम मे बी कंटिन्यूड बाय अगेंस्ट द न्यू नेम। क्या बोला है, इस नेम की चेंज होने की वजह से जो भी कंपनी के राइट्स या ऑब्लिगेशन थे उनमें कोई चेंज नहीं आता है। अगर कंपनी के पुराने नाम से कोई लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, मतलब कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है कंपनी का पुराने नाम से, तो वो केस नए नाम में कंटिन्यू रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। विद इन 30 days ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन अ प्रिंटेड और टाइप रिटन कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन शुड ट्रेंड टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। और स्पेशल रेजोल्यूशन के 30 दिन के अंदर अंदर, जब से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा है नेम चेंज करने का, उसके 30 दिन के अंदर अंदर एक रिटन कॉपी रेजोल्यूशन की रजिस्ट्रार के पास भेजनी होती है कंपनी को, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है आपका अगर नेम के अंदर आपको अल्टरेशन करना है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर चेंजेस करने हैं तो द प्रोसीजर डिपेंड अपॉन वेदर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सेम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और वेदर द शिफ्टिंग इज टू बी ज्यूरिडिक्शन ऑफ अनदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इन द सेम स्टेट। दिस में इंक्लूड
अब क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस में कुछ चेंज करना है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, या तो सेम रजिस्ट्रार के ज्यूरिडिक्शन के अंदर थोड़ा सा ही कुछ चेंज हो रहा है, एक जगह से ऑफिस दूसरी जगह जा रहा है लेकिन रजिस्ट्रार सेम रह रहा है, या फिर क्या चेंज हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रार ही चेंज हो रहा है, आपने एक जगह से काफी दूसरी जो जगह है वो काफी दूर है जहां पर दूसरे रजिस्ट्रार का ऑफिस लग जाता है, तो उस जगह पर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का जो ज्यूरिडिक्शन है वो भी चेंज हो रहा होता है। तो ये दो तरीके होते हैं, तो इसके लिए देखिए क्या क्या प्रोविजन है। पहला है चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्रमाइस टू अनदर प्रमाइस इन द सेम टाउन सिटी और विलेज। अगर आप सेम टाउन सेम सिटी और सेम विलेज के अंदर रजिस्टर ऑफिस चेंज कर रहे हैं सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह, तो उसका क्या प्रोसीजर है, द कंपनी में डू सो एनी टाइम, तो ऐसा कंपनी कभी भी कर सकती है, अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी सफिशियंट। इसके लिए सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। हाउएवर अ नोटिस ऑफ चेंज शुड विद इन 30 डेज आफ्टर द डेट ऑफ चेंज बी गिवन टू रजिस्ट्रार हु शैल रिकॉर्ड द सेम। लेकिन जब ये रेजोल्यूशन पास हो जाए और रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो जाए तो 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इसके बारे में कम्युनिकेशन करना पड़ता है, जिससे क्या करे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो इस चेंज को अपने रजिस्टर्स में नोट कर ले। सेकेंड कंडीशन होती है चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन टाउन और सिटी विलेज टू अनदर टाउन सिटी और विलेज इन द सेम स्टेट, इन दिस केस द प्रोसीजर इज। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, आपने सेम एक टाउन सिटी या विलेज से दूसरे टाउन सिटी या विलेज में शिफ्ट कर लिया है, लेकिन जो आपकी स्टेट है वो स्टेट सेम है, एक ही स्टेट के अंदर आपने टाउन चेंज करा है, सिटी चेंज करी है या विलेज चेंज करा है, तो उसके अंदर प्रोसीजर देखिए, अ स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड एट जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अ कंफर्मेशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर इज टू बी ऑब्टेन्ड, रीजनल डायरेक्टर की एक कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। अ कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन एंड कंफर्मेशन बाय रीजनल डायरेक्टर इज टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज। और जो ये स्पेशल रिजोल्यूशन है और कंफर्मेशन ली है रीजनल डायरेक्टर की, उसकी कॉपी को 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना पड़ेगा। With 30 days of the removal of registered office, notice of new location is given to registrar who shall record the same. और जब registered office change हो जाता है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर नई location के बारे में registrar को बताना पड़ेगा, जो कि इसको mention कर लेगा अपने records में। फिर आती है आपकी थर्ड कंडीशन, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप शिफ्ट कर रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस को, तो सेक्शन 17 प्रोवाइड फॉर द शिफ्ट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड शिफ्ट इन्वॉल्व अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। अगर तो सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग ये शिफ्टिंग होगी और इससे क्या होता है, मेमोरेंडम के अंदर अल्टरेशन की जाएगी। द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर सेम सिटी और वन सिटी टू अनदर इन द सेम स्टेट डज नॉट इन्वॉल्व अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। अभी जो आपको ऊपर दो कंडीशन बताई, सेम सिटी मतलब सेम सिटी टाउन विलेज में शिफ्ट हो रहा है या एक सिटी से दूसरी सिटी में हो रहा है लेकिन स्टेट सेम है, तो ये दोनों जो कंडीशन है ये आपके मेमोरेंडम को अल्टर नहीं करती है। लेकिन अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जा रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस को, तो ये आपका मेमोरेंडम का अल्टरेशन कहलाता है। द शिफ्ट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर कैन बी डन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कंफर्म बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और उसका अप्रूवल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर कंफर्मिंग द रेजोल्यूशन विल सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट सफिशिएंट नोटिस हैज बीन गिवन टू एवरी क्रेडिटर एंड ऑल अदर पर्सन हु इंटरेस्ट आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय अल्टरेशन including the registrar of company and the government of state in which registered office is situated। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसका अप्रूवल देने से पहले क्या कंफर्म करेगी कि जो जो भी उसके क्रेडिटर हैं या जो भी पर्सन जो कि अफेक्ट हो सकते हैं इस अल्टरेशन से, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस के शिफ्ट होने से, क्या उन सभी को एक सफिशियंट नोटिस भेजा है कंपनी ने कि हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं। अगर ऐसा भेजा है तो गवर्नमेंट उसे अप्रूवल दे देगी रिजोल्यूशन पास करने का, वरना रिजोल्यूशन पास करने का अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। Also, the central government will give the opportunity to member and creditor of company, the registrar and other person interested in company to be heard. The central government may confirm the resolution on terms and condition as may think fit. और फिर central government ये सारी चीजें देखने के बाद जैसा उन्हें सही लगेगा उस हिसाब से अपनी confirmation दे देगी। ठीक है, ये हो गया आपका अगर आपको registered office में change लाना है तो कैसे लाया जाएगा। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करेंगे, इसका पार्ट नंबर वन आपका यही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कहां से, अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज से, और इससे आगे का कंटेंट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू।